कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में मेलों और त्योहारों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करते हुए कुछ मेलों को परंपरागत तरीके से निभाने का प्रशासन और सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2021 का भी आगाज हो गया है। 25 जुलाई से 1 अगस्त तक चलने वाला यह मेला, जिसकी शुरुआत हमेशा हर साल महामहिम राज्यपाल के जरिए की जाती है, लेकिन कोरोना के साए के चलते इस बार भी स्थानीय विधायक पवन नैयर ने इसका शुभारंभ किया। बड़े ही सादा व रस्मी तरीके से मेले का आगाज किया गया। इस मेले के पहले दिन बहनें अपने भाइयों की कमीज के बटन पर रेशम व तिल्ली की सुनहरी मिंजर बांध के अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं 7 दिन बाद नारियल व फल के साथ इन मिंजर को रवि नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय से शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों व नगर परिषद के कुछ सदस्यों ने भाग लिया। जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली गई, उस समय चंबा मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सबसे पहले भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में मिर्जा परिवार द्वारा बनाई गई रेशम की मिंजर अर्पित की गई। उसके बाद अखंड चंडी महल में रघुवीर भगवान को मिंजर अर्पित की गई। तत्पश्चात हरिराय मंदिर में भी मिंजर चढ़ाई गई। ऐतिहासिक चौगान में ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर कुंजड़ी मल्हार गायन का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक पवन नैयर ने बताया कि कोरोना के साए में मिंजर त्योहार को बड़े ही रस्मी व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी प्राचीनतम परंपराओं को सहेजते हुए इस मेले को रस्मी तौर पर मनाया जाएगा और मिर्जा परिवार के हाथों से बनाई गई मिंजर लक्ष्मीनाथ, रघुवीर और भगवान हरिराय को अर्पित की गई है। उन्होंने बताया कि अगले रविवार को जब मेले का समापन होगा तो उस समय भी सीमित कार्यक्रम होगा और परंपरा के मुताबिक मिंजर विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेल का जो है आज आगाज हो गया है। आपको पता ही है कि ये सावन के दूसरे रविवार को जो है ये मिंजर शुरू होती है और एक हफ्ता चलती है। ये जैसे आज 25 तारीख है, ये पहली तक चलेगी और आज इसका हमने म्यूनसिपल कमेटी गए, वहाँ से इसका शुभारम्भ हुआ और लक्ष्मीनाथ टेम्पल गए हम और भगवान रघुवीर जी को चढ़ाई, बंसी गोपाल मंदिर चढ़ाई और हर हर टेम्पल चढ़ाई और उसके बाद ग्राउंड में आए और झंडा हो गया। तो ये जो है मिंजर जो है ये हिंदू मुसलमान एकता के लिए एकता की एक मिसाल है, क्योंकि ये जो मिंजर जो है ये मिर्जा परिवार बरसों से बना रहे हैं ये और ये बेचते भी हैं और पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर को इनकी मिंजर चढ़ाई जाती है, उसके बाद ये शुरू होता है। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर राणा जी के तो बड़ा वो शौक था कि इस बार मिंजर हम बहुत अच्छी करेंगे, परंतु कोविड की वजह से 2 साल हमारे ये ख़राब हो गए हैं और चंबा के लोग भी इंतज़ार करते हैं पूरे साल की मिंजर आएगी, तो हम परचेजी बार से ही व्यापारी आते हैं, तो ये 2 साल जो हमारे ये ख़राब हो गए। मैंने सुबह हमारे मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने मिंजर की मुबारकबाद दी है, तो ये कोविड वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर आदरणीय मुख्यमंत्री चंबा आते तो हमारा कई अनाउंसमेंटें हमारी होनी थी, 2 साल हो गए कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही हमारी, तो ये भी बड़ा भारी हमारे नुकसान है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल जो है हम मिंजर जा बड़ी पूरी धूमधाम से मनाएंगे। एक बार पुनः मैं पूरे चंबा निवासियों के मिंजर की मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ अगले साल हम बहुत धूमधाम से ये मिंजर में। वहीं DSP चंबा अभिमन्यु ने बताया कि चंबा में मिंजर मेले का
आगाज हो चुका है और इस उपलक्ष्य पर परंपरागत ढंग से शोभा यात्रा निकाली गई और चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से बड़े ही सादे और परंपरागत ढंग से मिंजर मेले का आगाज हुआ है। जिस समय शोभा यात्रा निकाली गई उस समय शहर के बाजार को बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना संक्रमण का कोई खतरा ना रहे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि मिंजर मेले का पूरा आनंद उठाएं, लेकिन कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड के कारण थोड़ा प्रोटोकॉल है और सूक्ष्म तरीके से इसको मनाया जा रहा है, तो जैसे आदेश थे कि 2 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल में मेडिकल शॉप्स खुली रहेंगी, उसके अलावा सारी दुकानें बंद थी। और जो हमारा पुलिस का कल शाम से ही अलर्ट थे और सुबह से ट्रैफिक का अरेंजमेंट देख रहे थे ताकि कोई इस तरह के व्हीकल यहाँ जिसमें प्रोसेशन चलना है उस एरिया में पार्क ना हो और ना लगे, और इस तरह सुरक्षा के लिए भी ड्यूटीज लगाई गई थी और जितने भी चौराहे थे या वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट की गई थी। तो आज का दिन बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से निकल गया है। अभी शाम को हमारी डिप्लॉयमेंट और है जो कुंजी मल्हार कार्यक्रम रहेगा, तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि जितना आप इंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन इंजॉय करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप आते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठें और उसका पालन करते रहें।